अच्छे मेरे आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है टॉप 500 शार्क्स इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों हम अब हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इधर हमारा फिफ्थ नंबर पे बुल शार्क। दोस्तों बुल शार्क आपको लगेगा ये अपने नाम जैसे होगी, पर दोस्तों ऐसा होता है कि बुल शार्क्स इनका जो सामने वाला होता है ना बहुत ही डेंजरस होता है। ये अपने शिकार को उससे यानी ये जो सामने ये जो दिख रहा है ना इनका हेड बहुत ही बड़ा होता है। दोस्तों ये अपने शिकार को अपने हेड से मारती है और उसे पानी में घसीटते हुए ले जाती है। ये होता है इनके शिकार करने का तरीका। और दोस्तों अगर हम समुद्र में सोचे तो ये समुद्र में ऐसे शिकार करती है कि अपने दुश्मन को पता भी ना चले और ये उसे निकलती है। तो दोस्तों हमारा फोर्थ नंबर है हमारे शार्क। दोस्तों हमारे शार्क का भी कुछ वैसा ही होता है, पर दोस्तों आपको लगेगा इसका नाम हैमरहेड क्यों है, पर ये जल्द से ही आपको समझ आता है क्योंकि इसका नाम ही हैमरहेड है। और इसके अजीब से इस नाम की वजह से इस अजीब से इसका नाम के कारण है इसका ये हेड। हाँ दोस्तों इसका हेड जो होता है ना किसी हैमर जैसा होता है। ये अपने शिकार को अपने फोरहेड से मारती है और उसे उधर ही मारकर पानी में घसीट लेती है। दोस्तों और ये कभी भी मरा शिकार नहीं खाती। दोस्तों सारी शार्क्स का एक खासियत होती है वो कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं खाती, वो जिंदा खुद शिकार करके खाती है। ये होती है शार्क्स की खासियत। तो दोस्तों हम अब हमारे शार्क के पास चलते हैं, उसका शिकार करने का तरीका देखते हैं। दोस्तों हमारे शार्क का शिकार करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है पर डेंजरस भी है, मैंने आपको बताया है अभी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके फिन्स तो छोटे होते हैं इसलिए बहुत से मछुआरों को लगता है ये हैमरहेड नहीं कौन सी तो छोटी सी मिल्क शार्क है। तो दोस्तों हमारा थर्ड नंबर है टाइगर शार्क। दोस्तों टाइगर शार्क का नाम टाइगर शार्क इसलिए रखा होता है क्योंकि इसके पीठ पे ना पट्टे होते हैं और ये कुछ ऑरेंज कलर की होती है। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी भी हो सकती है यानी किसी ग्रेट व्हाइट शार्क के यंगेस्ट बेबी जितनी ये उतनी बड़ी हो सकती है दोस्तों। और कोई ग्रेट व्हाइट शार्क आसानी से इसका शिकार भी कर सकता है पर उसे इसके खतरनाक दांतों की वजह से बहुत ही डेंजरस घाव आ सकते हैं। तो किसी ग्रेट व्हाइट शार्क को कौन डेंजर छोटे से ऐसे डेंजरस घाव आना लाजमी है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बड़े शिकार करती है। तो चलो हम टाइगर शार्क के बारे में आते हैं। टाइगर शार्क का शिकार करने का तरीका, दोस्तों इसका शिकार करने का तरीका बहुत ही अलग होता है यानी ये इनको ये अक्सर आदमियों को नहीं खाती। दोस्तों इन्हें ये बहुत ही डीप समुद्र में जो बड़े कुछ मछलियां होती है उनको ही खाती है और ये बहुत ही तेज हमलावर है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सेकंड नंबर है व्हेल शार्क। दोस्तों व्हेल शार्क के बारे में सोचे तो ये बहुत ही डेंजरस होती है और ये इसकी पूंछ की वजह से बहुत ही फास्ट भाग सकती है समुद्र में और इसका मुंह बहुत ही बड़ा होता है। ये किसी बड़े से बड़ी हैमरहेड शार्क को अपने मुंह से दो मिनट में निकल सकती है, इतनी एबिलिटी एक व्हेल शार्क रखती है। और इसकी खासियत बताए तो इसका जबड़ा सबसे बड़ी खासियत है इसकी। और इसका दूसरी खासियत है दोस्तों कि ये अपने पूंछ से समुद्र में दुनिया बहुत ही फास्ट भागती है। दोस्तों अब फुल एंड फाइनल हम नंबर वन पे आ रहे हैं। तो नंबर वन है ग्रेट व्हाइट शार्क। दोस्तों ग्रेट व्हाइट शार्क को कौन नहीं जानता, ये दुनिया की सबसे खतरनाक हमलावर है इसे कौन जानता नहीं है। और ये ग्रेट व्हाइट शार्क ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ऐसे देशों में पाई जाती है पर भारत में भी कुछ ग्रेट व्हाइट्स दिख चुके हैं दोस्तों, इसलिए समुद्र में सावधानी बरतते रहना। दोस्तों ये ग्रेट व्हाइट्स जो होती है ना इनकी खासियत होती है इनका जबड़ा इनका फिन।
दोस्तों आपको लगेगा कि इनकी फिन इनकी खासियत कैसे हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इनकी फिन धार होती है, इनकी फिन बहुत ही धार धार होती है दोस्तों। और इनकी जो दूसरी फिन होती है ना, वो किसी टाइगर शार्क के बड़ी फिन जितनी होती है, यानी आप सोचिए कि इनकी छोटी फिन भी कितनी होती है और बड़ी फिन, बाप रे बाप। तो दोस्तों इसकी दूसरी खासियत है इसकी पूंछ। दोस्तों इसकी पूंछ से कई किलोमीटर में तेजी से जा सकती है, और कई अमेरिका में कुछ ऐसी भी घटना घटी है कि कोई ग्रेट व्हाइट शार्क किसी जो हमारे फिशरमैन होते हैं ना, उनकी बोट्स के ऊपर से छलांग मार के गई, और कई फिशरमैन ने इसका शिकार करने का भी मौका पाया था और वो गवा दिया। दोस्तों अब मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने कुछ आपसे दो सवाल पूछे। पहला सवाल ये था कि अगर आप सोचिए आप किसी ट्रॉपिकल आइलैंड में फंस चुके हैं और आप समुद्र में शिकार करने जा रहे हैं, ऐसा सोचिए है, और हमारे सामने एक बड़ी सी ग्रेट व्हाइट आ गई, तो हम क्या करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। हम इसके आंखों में आंखें डाल के देखिए और इसके आंखों में आंखें डालकर देखिए और इसकी तरफ स्विमिंग कीजिए। अगर हमने इसके विपरीत कर भागने की कोशिश की तो ये हमारे पीछे भागकर हमारा शिकार कर देगी। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था कि लायंस होते हैं वो मेल्स जो होते हैं वो क्यों बच्चे संभालते हैं, फीमेल्स क्यों नहीं? इसका आंसर ये है कि जंगल में बहुत से हमलावर शिकारी रहते हैं, लायन के सिवाय भी बहुत से हमलावर शिकारी है, चीता टाइगर्स, ऐसे बहुत से हमलावर शिकारी है जो कब्स को खाते हैं, और कब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कब्स के पास रुकते हैं और जो फीमेल्स होती है वो शिकार करने जाती है। दोस्तों तो ये था आज का हमारा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।